हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सही है, लास्ट लेक्चर में आप सबने देखा हमने क्या स्टार्ट किया था, लॉजिकल रीजनिंग, जो पूरे 20 मार्क के लाता है। सही है ना। लॉजिकल रीजनिंग में लास्ट लेक्चर में मैंने काफी सारे ट्रिक्स बताए और पूरा चैप्टर जो है, पूरे जो 20 मार्क है, पूरा हमारे ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। सही है, तो उम्मीद करो सबको ट्रिक्स पसंद आई। पूरा चैप्टर याद रखना, पूरा ये हाथ के 20 मार्क है, ऐसा बस समझ लो कि आईसीआई ने पूरा बस खाना जो है आपके थाली में परोस के दिया है, और इतना ही साथ में को खिलाने में भी मदद किया है। इतना सिंपल चैप्टर है, बस ट्रिक्स के ऊपर है। ठीक है ना, ट्रिक्स नहीं तो कुछ नहीं यहाँ पे। इसलिए इसलिए काफी अच्छी ट्रिक्स बनाई है मैंने, और उम्मीद करता आपको सबको पसंद भी आई है। तो उन्हीं ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड आज कुछ एक्स्ट्रा सम्स करते हैं। लास्ट लेक्चर बस वो रिविजन टाइप था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सम्स लिए थे। अब उसके ऊपर ही उन्हीं ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड थोड़े कुछ प्रैक्टिस सम्स कर लेते हैं। सही है ना, एकदम ट्रिक्स आ गए ना अभी आपको, अभी समझ एकदम ऐसे चिल्लर लगने लगेंगे, टाइम पास सम्स लगेंगे। सही है ना, तो स्टार्ट करते फिर। ठीक है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सब ये कर ही लिए ट्रिक्स, तो उसके ऊपर बेस्ट करते फिर। ठीक है, नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हैं, देखते क्या आता है इसमें। देखते फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 1749343। अगला नंबर क्या होगा, तो ब्लैंक स्पेस भी यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे थोड़ा सा बस दिमाग, नंबर सीरीज में मैंने आपको बताया, बहुत थोड़ा सा आपका माइंड यहाँ पे थोड़ा सा शार्प चाहिए। ठीक है, अब देखना इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 के बाद 7 है, 7 के बाद 49 है, तो 7 और 49 जो दिखाई दे रहा है वो 7 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। और एक बात मैंने क्या बताया था, जब भी नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे, ठीक है, जब भी नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे और बढ़ता हुआ तो गैप ज्यादा हो, जैसे 1 के बाद डायरेक्ट 7, 7 के बाद डायरेक्ट 49, 49 के बाद डायरेक्ट 343, तो जब नंबर जब बड़ा हो, गैप बड़ा हो, तो हम क्या मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा, 1 में 7 मल्टीप्लाई किया तो 7 आ रहा, 7 में फिर से 7 मल्टीप्लाई किया तो 49 आ रहा। सही है, देखना कैसे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया तो हमारा आ रहा है 7, फिर 7 को हमने मल्टीप्लाइड बाय 7 किया तो आ रहा है 49। तो 7 जो 49 जो है, अब 49 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 343 आना चाहिए। मतलब ये क्या, हर टर्म को उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 7 किया। तो देखते हैं हमारा आ रहा है कि नहीं। देखना 49 बाय 7 क्या आता है, 49 × 7, 49 × 7 आ रहा है, 49 × 7 दैट इज 343, करेक्ट। तो 343 हमारा मैच हो गया, मतलब ही क्या, हर टर्म को क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 7 किया गया, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 7, देयरफॉर 343 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी इक्वल टू 2401, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, एकदम सिंपल था वाला सब, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था इसमें, बस पहचानना था हमें कि क्या हो रहा है। एक तो पहली बात तो क्या, पहले बढ़ता हुआ जा रहा है इसलिए हमने मल्टीप्लाई वाला रूल लगाया, उसमें दिखाई दे रहा है 7 और 49 जो है 7 का मल्टीपल भी है। सही है, 7 × 7 = 49, 1 × 7 = 7, तो क्या दिखाई दे रहा, हर टर्म को मल्टीप्लाइड बाय 7 किया तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाता, सिमिलरली आ गया हमारा 2401। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 112, 119, 140, 175, 224। अब दिखाई दे रहा है इसमें फिर से नंबर क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, फिर से नंबर बढ़ते हुए जा रहा है। पर एक बात याद रखना, यहाँ पे गैप जो है, गैप ज्यादा है क्या, गैप बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। देखना 112 के बाद लगेज तुरंत क्या है, 119, उसके बाद तुरंत 140, फिर 175, फिर 224, गैप हमें दिखाई दे रहा है, ज्यादा गैप नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस डिफरेंस का गैप होगा, मतलब कुछ एडिशन किया होगा या तो सब्सट्रैक्शन। अब दिखाई दे रहा नंबर बढ़ते जा रहा, बढ़ते कुछ ना कुछ एडिशन किया होगा। अब क्या एडिशन किया है, देखते हैं, देखते हैं क्या किया होगा इस सब में। देखना 112 में क्या ऐड किया होगा कि 119 आ रहा है, प्लस 7 दिखाई देता, प्लस 7 किया होगा। सही बात है, 119 में क्या ऐड किया होगा जो 140 आ रहा। तो अगर ओरली कैलकुलेशन अगर आपका मैथ्स पक्का हो तो ठीक, नहीं तो फिर क्या करना, 140 कैलसी पे माइनस 119 आ जाएगा 21। ठीक है, तो 140 आने के लिए इन दोनों के बीच में क्या किया गया, प्लस 21 किया गया। ठीक है, अब तक हमें कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा, पर देखते आगे कुछ मिलता है कि नहीं रिलेशन, नहीं तो कुछ दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी 140 और 175 में कितना फर्क है, 35 का फर्क है। तो 175 आने के लिए 140 में हमने क्या ऐड किया, 35 ऐड किया गया। ठीक है, अब देखना अगर दिखता, अगर देखा जाए तो हमारे सामने ट्रिक आ चुकी है कि ये किस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है। देखा कैसे, एक बार 7 और 7 का मल्टीपल है 21, तो 7 तो क्या किया, 7 × 1, ये वाला टर्म है 7 × 3, और ये वाला जो टर्म है डेट इज 7 × 5 = 35। अब देखना 175 में 224 जो ऐड किया है, तो 224 माइनस 175 कितना है, 49। तो इसमें कितना 49 ऐड किया है,
प्लस 49 ऐड किया तो आ जाएगा 224। और ये 49 क्या है, 7 × 7, ठीक है। अब हमें चाहिए नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे कौन होगा, अब देखना क्या होगा, यहाँ पे देखना 7 × 7, 7 × 3, 7 × 5, 7 × 7, ऑड नंबर्स को, 7 के ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर, 7 × 9 होना चाहिए, और 7 × 9 का क्या होता है 63, 7 × 9 = 63। यहाँ पे सभी जगह देखना क्या किया गया है, यहाँ पे सभी जगह प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस, तो प्लस 63 करना पड़ेगा 224 में, तो कर देना आगे आंसर 224 प्लस 63, आंसर इज 287, ऑप्शन नंबर सी। एकदम सिंपल, समझ में आया क्या किया, बस इस तरह से क्वेश्चन को समझना जरूरी, क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया उनकी ट्रिक समझ में आ जाती है किसी किस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया, सिंपल एकदम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रॉन्ग टर्म। अब ये जो सीरीज दिया है उसमें एक टर्म ऐसा है जो रॉन्ग है, मतलब वो सीरीज में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे वो क्वेश्चन में जो सीरीज दिया है वो वहां पे फिट नहीं हो रहा, वो कौन सा टर्म है वो पहचानना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे किया होगा क्वेश्चन, ये हमें दिखाई दे रहा 2 एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, ये फिर से ऑड और ये फिर से इवन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है एक इवन है एक ऑड है। जब भी ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन होता है फाइंड द ऑड मैन आउट, ज्यादा करके इवन ऑड, ज्यादा करके इवन और ऑड में फर्क होता है ज्यादातर, नॉट 100% बट 80% चांसेस इवन और ऑड के, इवन और ऑड में कुछ तो कुछ चेंज होगा उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा हमें फर्स्ट जो टर्म है इवन, सेकंड 9 इज ऑड, 28 इज इवन, 65 इज ऑड, 126 इज इवन, तो 216 की जगह कुछ तो ऑड नंबर चाहिए था, सही है। दिखाई दे रहा हमें, देखना दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है, ऑल्टरनेट टर्म्स आर इवन, तो उनके बीच में क्या आना चाहिए ऑड, तो यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड है, देखना, और यहाँ पे ऑड नहीं है ये, सही है ना, तो वहां पे ऑड चाहिए था हमें, ये 216 जो है ये है इवन, तो इवन को सपोज मैंने ग्रीन कलर से दिया तो वो भी इवन है, तो वहां पे क्या चाहिए था, रेड कलर चाहिए था हमें, यहाँ पे रेड कलर चाहिए था जो कि नहीं है, मतलब ये टर्म यहाँ पे ऑड मैन आउट हुआ, ये कुछ तो बीच में गड़बड़ कर रहा है, तो उस बंदे को बाहर बोलेगा 216 इज द करेक्ट आंसर, 216 इज द करेक्ट, एकदम सिंपल था, कुछ इसमें ज्यादा लोड लेना नहीं है, पूरे बिस्मा खिसे के आपके, मतलब आपके हाथ के बिस्मा के, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इसे, सही है ना, एकदम सिंपल टर्म्स रहते हैं इसमें, सिंपल समझ में आया सबको क्या किया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते फिर, फोर्थ क्वेश्चन इसमें भी देखना फाइंड द ऑड मैन आउट, अब देखता कैसे करेंगे, अब इसमें देखना इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड का कुछ वैसा सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, देखते फिर क्या होगा इसमें अलग अलग क्या होगा। अब देखना ये 6, 9, 15, 21, जब ये नंबर्स देख रहे तो इसमें ये समझ में आ रहा है 6, 9, 15, 21 किसका तो भी मल्टीपल है, अब ये किसका मल्टीपल है, सिमिलर सिंपल है 3 का, 3 2s, 3 3s, 3 5s, 15, 3 7s, 21, 3 8s, 24, ये 28 है क्या 3 के टेबल में, ये नहीं है, और 3 10s, 30 ये भी है, तो 28 दिखाई दे रहा 3 के टेबल में नहीं आ रहा, पर बाकी सभी टर्म्स क्या है 3 के टेबल में प्रेजेंट है, एकदम सिंपल समझ में आ गया। सिमिलरली फिर क्या होगा, ये 28 हमारा हुआ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ऑड मैन आउट, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है बीच में, एकदम सिंपल ना, एकदम टाइम पास लग रहे सम्स अभी, सही है, इसके आगे तो और भी टाइम पास लेंगे क्योंकि इसमें ट्रिक्स है, इसमें तो भी ठीक है कि इतनी ट्रिक्स नहीं है कि बस इतना समझना था क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो बस बताया गया कि फाइंड द ऑड मैन आउट, सही है, सिंपल है। देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते, 22, 42, 64, 88, अब क्या दिखाई दे रहा, नंबर बढ़ते हुए जा रहा, पर याद रखना नंबर में ज्यादा गैप है क्या, 22 के बाद 42, 42 के बाद 64, कांस्टेंट गैप, मतलब ज्यादा बड़ा बड़ा गैप हो गया, मतलब स्टार्टिंग में 1 है तो बाद में 243, बाद में 1000 कुछ, तो ऐसा कुछ है क्या, नहीं, नंबर में थोड़ा सा ही गैप है, तो इसमें टाइम पे क्या होगा, या तो एडिशन क्या होगा या तो सब्सट्रैक्शन, अब क्या दिखाई दे रहा, नंबर बढ़ते हुए जा रहा तो क्या हुआ होगा, इसमें एडिशन क्या हुआ होगा, अब देखते फिर कैसे। फर्स्ट वन इज 22, सेकंड वन इज 42, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, प्लस 20 का, मतलब ये गैप 22 में प्लस 20 किया तो 40 आ जाएगा, सही है। इस तरह से गए तो 42 और 64 में देखना कितना गैप है, 42 और 64 में दिखाई दे रहा 22, मतलब 42 में प्लस 22 किया जाए तो 64 आता। नेक्स्ट टर्म भी देख लेते, देखे जाए तो अभी हमें समझ गया ट्रिक, 22 पहले 20 फिर 22, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए 24, हम एक बार चेक कर लेते क्या है, यहाँ पे 88 है
तो 88 आने के लिए इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में प्लस 24 का गैप। अभी क्या लिखा करा, फर्स्ट 20 था, फिर 22 ऐड किया, फिर 24 ऐड किया, अब क्या ऐड करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे हम 26, अब इसमें हम ऐड करेंगे प्लस 26, तो 88 में प्लस 26 करो तो क्या आ जाएगा 114, 88 में 26 ऐड करो तो आ जाएगा 114, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल लग रहे सम्स, सही है। तो बस क्वेश्चंस को पहचानना जरूरी, पहली बात तो यही समझ लेना सबसे मेन, ज्यादा गैप है या कम गैप, क्योंकि इसमें अगर सोचने में टाइम गला है कि मल्टीप्लाई लगाऊ या डिवाइड कर लगाऊ या एडिशन लगाऊ या सब्सट्रैक्शन, इसमें टाइम नहीं लगाना, क्वेश्चन देखते समझ में आता बढ़ते हुए जा रहा है एडिशन होगा या तो मल्टीप्लीकेशन, गैप कम है तो मल्टीप्लीकेशन कट, ओनली एडिशन ऐड होगा, ओनली एडिशन होगा इसमें, सिंपल ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, फिर डायरेक्ट अभी कोडिंग डिकोडिंग ले लेते हैं, सही है, कोडिंग डिकोडिंग देखना क्या आता है इसमें। अब कोडिंग डिकोडिंग में हमने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के नंबर्स और रिवर्स अल्फाबेट्स, ये दोनों एकदम ट्रिक से याद रखे, तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, डायरेक्टली देखें कैसे किया है। अब देखना क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया है RTS, RTS is written as 19, ठीक है, RTS is written as 19 कहा गया है उसे, ठीक है, एंड MTH, MDH नहीं MTH is written as 25, ठीक है, MTH is written as 25, then how is IPL written in same code language, तो IPL को हम क्या लिखेंगे ये पूछा गया है। सिंपल अभी क्या करना है, ये 19 कहां से आया वो पहचानना है RTS में, ठीक है, तो पहले तो इनके नंबर्स दे देते हैं, R का क्या था, R का दिखता 8, तो N के बाद आने वाला तो 18 आएगा, R हुआ हमारा 18, सही है, सिंपल। ठीक है, था SC ST में 19 20 का फर्क, तो 19 S को 20 किसको, T को, ये आया 20, और S क्या दिखाई दे रहा है, SC ST फिर से 19 20, तो 19 बोले तो 19 गया S के लिए, ठीक है, ये पहले इनके नंबर्स दे दिए। अब ये जो 19 दिखाई दे रहा हमें क्या दिखाई दे रहा, या तो डायरेक्टली S का वैल्यू उठा के ले लिया, मतलब जो लास्ट वाला लेटर था वो RTS में जो लास्ट वाला अल्फाबेट है दैट इज S, उसका नंबर डायरेक्टली उठा के दिया है, ऐसा हो सकता, चेक कर लेते दूसरा वाले इसमें, दूसरा वाले इसमें M क्या है, M पता हमें A to M first half and N to Z second half, सही, तो M क्या होगा 13, याद ना सभी को, first half 13 second half is 13, total अल्फाबेट्स कितने 26 याद। अब SCST फिर से T क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, 19 20 का फर्क, H क्या दिखाई देता हमें 8 की तरह दिखाई देता, ये हुआ 8, अच्छा अगर एच को उन्हें डायरेक्टली लिखा होता 19 तो एच को भी डायरेक्टली लिखना चाहिए था क्योंकि सेम कोड लैंग्वेज है, तो 8 अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर वो वाला तो ट्रिक तो गलत है, दूसरी ट्रिक लगा के देखते हैं। अब देखना 20 और 18 इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या है, दैट इज 19, वो भी हो सकता है, अगर फर्स्ट कंडीशन में देखा तो वो हो सकता है, सेकंड कंडीशन में चेक करके देखना है, ठीक है, ये सब चीजें माइंड में आती है, डायरेक्टली बोलो तो मेरा माइंड में तो आंसर आ ही गया, पर क्या क्या माइंड में आती है चीजें वो मैं बता रहा हूँ, 20 और 19 के बीच में कितना, बीच वाला वैल्यू 19 और वो आंसर हो सकता, तो नीचे आके देखते हैं 20 और 13 में इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या होगा, बीच का वैल्यू होगा इसमें 16 कुछ होगा, 16 ऐसा कुछ तो होगा मतलब, पर यहाँ पे पॉइंट्स में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा 25 है, तो 25 13 और 20 के बीच में तो आता ही नहीं, तो ये वाला लॉजिक भी हमारा गलत लग रहा है, तो फर्स्ट लॉजिक भी गलत, सेकंड लॉजिक भी गलत, थर्ड लॉजिक पे ट्राई करेंगे, थर्ड लॉजिक पे देखना क्या हो रहा है, 20 और 18 को ऐड करो क्या आ जाएगा देखना 38 को अब डिवाइड बाय 2 करो, 38 को डिवाइड बाय 2 करो, ये आ जाएगा 19, ठीक है, ऐसा हो सकता। अब नीचे ट्राई करके देखते 20 और 13 को ऐड करो 33, ठीक है, 33 को डिवाइड बाय 2 करो, फिर से गलत, 16.5 आ रहा है, फिर से गलत हुआ। एक लास्ट अभी सिंपल डायरेक्ट आंसर बता था आपको क्या आएगा देखना, 20 और 18 को ऐड किया 38 आया, 38 में से माइनस 19 कर देना है, ये दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस कर देना है, सिंपल, सही, तो ये दोनों को ऐड, इनको माइनस आएगा आंसर, चेक करना 18 और 20 38 माइनस 19 किया, तो फर्स्ट वाला कंडीशन तो हमेशा आ ही रहा है हमारा, तो 19 तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखते हैं 13 प्लस 20 आ जाएगा 33 माइनस 8 करेंगे, माइनस 8 फर्स्ट टर्म को ऐड किया, लास्ट वाले टर्म को माइनस किया, माइनस 8 किया 25 आ गया आंसर, मतलब ये क्या हो रहा है, इन दोनों में प्लस इसमें
माइनस हो रहा है, सिंपल ऊपर भी देखना प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पे भी प्लस फिर माइनस। सिमिलरली नीचे क्या करेंगे, अब I की वैल्यू क्या, I नो हमें पता ही है सब, I नो का क्या नो N नो मीन्स 9 सही है। IPL P क्या प्रिंस, प्रिंस बोले तो 16 साल का प्रिंस 16, L बोले तो लाइन, लाइन को देखते हैं 12 बज जाते तो 12 ठीक है। ये ट्रिक याद रखना, ज्यादा कोई बताता नहीं है, ज्यादा मीन्स 99% को ये ट्रिक बताएगा नहीं आपको, काफी मेहनत करके ट्रिक बनाई है आपके लिए, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई और आप ध्यान दे रहे हैं इन क्वेश्चंस पे ठीक है। मतलब एकदम सिंपल जो, इनके मार्क्स अब हाथ के मार्क्स, गलाना नहीं है इनके मार्क्स ठीक है ना, इनमें टाइम नहीं वेस्ट करना है सबसे मेन बात। देखते हैं अभी क्या, ये दोनों में प्लस होगा, ये दोनों में माइनस हो जाएगा, तो 99 + 16 विल बी 25, -12 विल बी गिविंग अस 13, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल एकदम सही है ना, क्वेश्चन सही लग रहे हैं अभी। अब देखा पिक्स की कितने काम, कितना यूज होता। अगर सपोज मैंने आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स नहीं दिए हुए थे तो आप क्या करते एग्जाम में, सबसे पहले ए बी सी डी ई अप टू जेड और उनके नंबर 1 2 3 इसमें ये करने में 5 मिनट चले जाते आपके, पता भी नहीं चलता आपको ठीक है, और एक एक सेकेंड यहाँ पे कीमती है हमारे लिए ठीक है ना, तो ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, अब देखना ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक ये सेम क्वेश्चन अप्लाइड है ठीक है, एकदम मस्त क्वेश्चन है ये, और ये टाइप्स के क्वेश्चन आने की संभावना है भी और नहीं भी, क्योंकि एकदम सिंपल है, बस पहचानना जरूरी है इसको, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग करना है और डिकोड करना है। देखना क्या, स्टडीज ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखना क्या दिया है, टेल देम यंग मींस की लापा, एकदम मतलब ये कोड दिया है ठीक है, टेल देम यंग को उन्होंने कोड किससे किया है, की लापा वाइज यंग शार्प टेल, वाइज यंग शार्प टेल इसको कोड किया है ना पा कुप के ठीक है। ये समझ लेते कि ये चार सेंटेंसेस दिया हमें ठीक है, 1 2 3 4 ये चार सेंटेंसेस के उनको कोड कैसे किया वो बताया। अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक, सेम क्वेश्चन वही इसी के ऊपर भेज रहे। देखना क्या, व्हाट इज द कोड फॉर शार्प, अब ये शार्प जो वर्ड है उसके लिए कौन सा कोड है ठीक है, शार्प के लिए। अब सबसे पहले ऐसे टाइम पे क्या करना, शार्प कौन से सेंटेंसेस में है पहले तो वो जाके आइडेंटिफाई करेंगे। शार्प हमें दिखाई दे रहा, शार्प दिखाई दे रहा इस वाले सेंटेंस में है शार्प, और इस वाले सेंटेंस में है शार्प ठीक है। अब जो सेकेंड वाले सेंटेंस में थर्ड लेटर है, सेकेंड वाले सेंटेंस में थर्ड वर्ड है, तो सेकेंड थर्ड वर्ड होता है कूप, यहाँ पे दिया गया है कूप। चेक करना है नीचे जाके भी, फोर्थ वाले सेंटेंस में भी अगर सेकेंड है, ये है फोर्थ पोजीशन, तो ये भी है फोर्थ पोजीशन, ये है सेकेंड पोजीशन, तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे भी है क्या है कूप। सिंपल क्या मिल गया, कूप कूप, तो कूप यहाँ पे आ गया आंसर डी, KUP सही है। ऐसे जाके पहचानना एकदम सिंपल है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड ठीक है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है, व्हाट डज टू स्टैंड फॉर। अब देखना है पे टू कौन से सेंटेंस में पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है। तो अब टू जो है वो कोडिंग इसमें है, सेंटेंसेस में नहीं है, कोड वाले पार्ट में है, तो टू जो दिखाई दे रहा इस वाले में है और इस वाले में है, और किसी में है क्या, नहीं, ये दो इसमें है, इसमें है फर्स्ट पोजिशन, इसमें है सेकेंड पोजिशन ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन क्या है, क्लेवर ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन भी क्या है, क्लेवर, और यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन है टू। तो समझ में आया इसका क्या होगा, क्लेवर, सिंपल डायरेक्टली समझ में आ गया, टू का आ गया क्लेवर, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसी में, फोर्थ क्वेश्चन देखना इसी, यही क्वेश्चन से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टेल टुमारो चाहिए अभी ठीक है। तो टेल टुमारो, पहले टेल और टुमारो कौन से सेंटेंस में वो आइडेंटिफाई करेंगे, टेल है यहाँ पे, तो अब जब टेल टुमारो दो वर्ड है तो पहले टेल के लिए निकाल लेते हम ठीक है, पहले टेल के लिए निकाल लेते हैं। तो टेल फर्स्ट सेंटेंस में है, टेल सेकंड सेंटेंस में भी है, और किसी में है क्या, फोर्थ सेंटेंस में जो वो टुमारो है, अभी हम टेल की बात कर रहे हैं ठीक है। तो टेल जो है यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पे है, और यहाँ पे लास्ट डेट इज फोर्थ पोजिशन ठीक है। तो फर्स्ट पोजिशन पे है की, लास्ट पोजिशन पे भी है की, तो टेल का आ गया की ठीक है, टेल के लिए आ जाएगा की। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो की स्टार्ट होने से एक ही है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन, अबे आंसर तो हमने सामने आ गया हमारे। अब सपोज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में भी के ई आई एन दिया होता, K
की इन दिया ही रहता तो टुमारो के लिए भी पहचान लेते, मतलब दो ऑप्शन में की आ रहा है तो टुमारो के लिए भी निकालना पड़ेगा। अब जाके आइडेंटिफाई करेंगे टुमारो कौन से इसमें आ रहा, ठीक है। तो टुमारो देखना कहाँ पे आ रहा है, टुमारो आ रहा है बस एक ही सेंटेंस, डेट इज फोर्थ सेंटेंस में, वो भी लास्ट पोजिशन वो है जो, तो बस वही होगा इसका फिर तो टुमारो के लिए आ जाएगा हमारे लिए, हमारे पास जो, और जो भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ ही है, तो के जो आ गया फिर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर हुआ क्लियर, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, इसी में क्या दिया है, व्हाट इज द कोड फॉर क्लेवर यंग गर्ल, तीन वर्ड्स है क्लेवर यंग गर्ल। सबसे पहले क्लेवर के लिए निकाल लेते जाके आंसर डायरेक्टली, फिर आ जाएगा शायद से, देखते क्लेवर कहां पे दिया है, देखना क्लेवर दिया है हमें, क्लेवर है दो सेंटेंस, दैट इज थर्ड सेंटेंस एंड फोर्थ सेंटेंस, यहाँ पे सेकंड पोजीशन, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन है टू, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है टू, सही है। तो यहां से क्लेवर के लिए क्या मिला हमें, टू, क्लेवर के लिए हमें मिल जाएगा टू, सिंपल। अब ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में टू है, ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल हो चुका है, पर हम चेक करेंगे यंग और गर्ल के लिए भी। तो अभी यंग के लिए चेक करते हैं, यंग के लिए कौन आ रहा है, ठीक है। तो यंग के लिए देखना, क्लेवर की बात तो हो गई, उसके लिए टू मिल गया। अब यंग कहां पे दिखाई दे रहा, फर्स्ट सेंटेंस में दिखाई दे रहा, सेकंड एंड थर्ड, तीन सेंटेंस में दिखाई दे रहा यंग, यहां पे फर्स्ट सेंटेंस में लास्ट पोजीशन पी है, अच्छा सभी सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, सॉरी सभी सेंटेंस में यंग दिखाई दे रहा है, सेकंड पोजिशन पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, थर्ड पोजिशन पे पी ए, यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे पी है, यहाँ पे भी पी है, सिमिलरली क्या सिंपल दिखाई दिया, यंग का क्या हो जाएगा पी ए, यंग का हमें मिला पी ए, देखना यहाँ पे टू पी ए। अब गर्ल का जो आने वाला है वो चेक कर लेते कैसे, ठीक है। ये बस आंसर तो आ ही गया, हम बस क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के अगर डिफिकल्ट आ जाए कि स्टार्टिंग में सभी सेम रहेंगे, लास्ट के जो रहेंगे कोड्स वो चेंज रहेंगे, इसलिए हम सब पहचान लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हमें गर्ल के लिए चाहिए था, गर्ल हमें दिखाई दे रहा कहाँ पे है, गर्ल तो यहाँ पे किसी में भी नहीं है, तो बस हमारा ऑप्शन जो है टू पा आ गया, तो टू पा जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है, सिंपल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स क्वेश्चन देखना इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट्स कुपला सोना, कुपला सोना। तो अभी कुप, तो कुप के लिए पहचानेंगे पहले, अब ये कोड में दिया है तो कुप कहाँ पे दिया है पहले वो जाके देखते हैं, कुप हमें दिया है सेकंड में और फोर्थ में, कुप है थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे है शार्प, ठीक है, इसको कट नहीं करते, इसकी अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, शार्प यहाँ पे है सेकंड पोजिशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजिशन पे है शार्प, तो कुप के लिए क्या मिला हमें शार्प, कुप के लिए मिल गया शार्प, ठीक है। अब देखना ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है डायरेक्टली डी, तो ये टिक कर देते, आगे लास्ट वन आप खुद से निकाल पाएंगे, एकदम सिंपल लग रहा है, टाइम पास है, खुद से निकाल लो इतना, फिर सिंपल है। ला के लिए एक बार बता देता हूँ, बस ला के लिए क्या होगा, ला देखना कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ला दिखाई दे रहा है हमें, ला फर्स्ट में दिखाई दे रहा है और थर्ड में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में सेकेंड पोजिशन है देम, इसमें देम, तो ला के लिए आ जाएगा देम, तो शार्प देम तो आ गया, नॉट वाइज भी आ ही जाएगा आपका, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशंस देखते हैं, सही है। ब्लड रिलेशन में क्या बताया था, जैसे हम डेली यूज में क्या करते हैं, जनरेशन में गैप हो रहा है तो वैसे इसमें गैप रखना जरूरी, बस उतना ही ट्रिक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, बस जैसे दिया वैसे बनाते जाएंगे, ठीक है। अब देखना क्या दिया है, जो क्वेश्चन वन और टू है उसके ऊपर बेस्ड है, देखना क्या दिया है, के इज सिस्टर ऑफ एस, पहले वो बना लेंगे, के इज सिस्टर ऑफ एस, भाई बहन मतलब सिस्टर ऑफ एस बोले तो एक ही जनरेशन है, ठीक है, तो के सिस्टर कहा गया है, के को अगर सिस्टर कहा गया है तो ये क्या हो जाएगा, के अगर सिस्टर है तो ये नेगेटिव, मतलब ही क्या, ये फीमेल है, याद है पॉजिटिव हम देते थे मेल को, नेगेटिव देते थे फीमेल को, तो के सिस्टर है एस का। अब एस का कुछ रिलेशन, एस का कुछ बताया क्या कि ये मेल है या फीमेल है, नहीं बताया, तो उसको कुछ भी नहीं देंगे फिलहाल के लिए। आगे देखना, एस इज मैरिड टू एम, एस और एम की शादी हो चुकी है, तो उन दोनों में शादी हो तो एक ही जनरेशन के बीच में शादी होती है हमेशा, ठीक है, एक ही जनरेशन के बीच में एम की शादी हो चुकी है, एस इज मैरिड टू एम, इसका भी कुछ बताया नहीं। आगे दिया है एम इज फादर ऑफ आर, एम क्या है फादर ऑफ आर है, तो फादर बोले तो ये पॉजिटिव मतलब मेल हो जाएगा, तो फिर इसका बेट, इसका फादर ऑफ आर है, तो आर अभी सन है या डॉटर है वो बताया नहीं है, तो आर आर क्या है सन या डॉटर है, मतलब तो नीचे वाले कैटेगरी में गए, नीचे चले गए वो, ठीक है। अब एम फादर है और एस क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एम और एस मैरिड है फीमेल, तो एस क्या होगा फीमेल हो जाएगा, सिंपल। आगे देखना क्या है, क्यू इज सन ऑफ पी, क्यू इज सन ऑफ
पी, तो इसको साइड में बना लेते क्यू इज सन ऑफ पी, क्यू सन है बोले तो पॉजिटिव ऑफ पी, तो पी यहां पे आ जाएगा, बस इतना बनाया हमने, ठीक है। ये साइड में बना, इसका अलग केस चल रहा। एस इज मदर इन, यहां पे मदर इन लॉ है, ठीक है, एस इज मदर इन लॉ ऑफ पी, एस इज मदर इन लॉ ऑफ पी, मतलब ही क्या, आप देखना पी जो है उससे एस इज मदर इन लॉ बोले तो पी और क्यू नीचे वाले कैटेगरी में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे, यहां पे आ जाएगा पी, यहां पे आ जाएगा क्यू, और क्यू क्या है सन, तो इसलिए पॉजिटिव दिया। अब एस इज मदर इन लॉ, एस इज मदर इन लॉ ऑफ पी, ठीक है, मदर इन लॉ ऑफ पी बोले तो क्या, आगे इसको इधर यहां पे ही पकड़ के चलते आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। एम हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, एम हैज ओनली वन सन, तो एम का सन तो यही है एंड नो डॉटर, ठीक है, तो इतना है, तो ये एक ही बच्चा है। और एस, अब आर के माता पिता कौन है, एम और एस, एम पिता एस माता, सही है, एम है फादर एस इज मदर, ठीक है। तो अब यहां पे दिखाई दे रहा उनका एक ही बेटा है आर, उनका एक ही बेटा है आर, और उसमें क्या दिखाई दे रहा, उनमें जो एक ही बेटा आर है और पी क्या है उनका पी है, एस जो है मदर इन लॉ ऑफ पी है, एस है मदर इन लॉ ऑफ पी, एकदम सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एस क्या है मदर इन लॉ ऑफ पी बोले तो क्या, इन दोनों की शादी हो चुकी है और पी क्या है नेगेटिव, पी क्या है नेगेटिव, तो पी बहू हो गई एस के लिए, सही है, सिंपल एकदम। अब आगे देखना क्या है, के एम हैज, अच्छा हो गया, के इज मैरिड टू टी, के इज मैरिड टू टी, अब के की बात छेड़ दी इन्हें, बीच में कुछ करते हैं, बीच में कुछ, चलो ठीक है, अब के नेगेटिव है तो टी बोले तो पॉजिटिव हो गया, के इज मैरिड टू टी। एन इज डॉटर ऑफ के, एन इज डॉटर ऑफ के, तो यहाँ पे एन कहीं पे आ जाएगा जो इसका डॉटर है, ठीक है, एन है जो डॉटर ऑफ के है, ये सेकंड सेकंड वाले इसमें आया है वो, ठीक है ना, इसको चलो अच्छे से बना लेते थोड़ा, यहाँ पे आ जाएगा पी डेट इज नेगेटिव, इन दोनों की शादी हो चुकी, इनका बेटा है क्यू, वो बेटा इसलिए पॉजिटिव। अब के का है के टू, के इज मैरिड टू टी एंड एन इज डॉटर ऑफ के, तो डॉटर ऑफ के बोले तो एन आया और डॉटर बोले तो आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये सब सेकंड जनरेशन में आ गए। पूछा क्या गया है ना, अब ये तो हुआ उनने जो दिया कंडीशन उसी आपसे हमने बना तो लिया, क्वेश्चन क्या पूछा, आप देखना सिंपल है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, मैंने क्या बताया था, दूसरा पहले वाले को क्या नाम से बुलाएगा, बोले तो एम पी को क्या नाम से बुलाएगा, एम जो है पी को क्या नाम से बुलाएगा, एम का बेटा है आर उसकी बहू है पी, एम का बेटा है आर उसकी पत्नी है पी, ठीक है, तो मेरे बेटे की पत्नी को क्या हो गई, बहू हो गई, बहू बोले तो क्या हुआ ये, बहू बोले तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, सही है ना, तो एम जो है एम अपने इसको देखना क्या दिया है, फिर से एक बार चेक कर लेना, दिस इज मदर इन लॉ ऑफ पी, एस इज मदर इन लॉ ऑफ पी, अच्छा ये समझ में आया अभी सबको, अभी क्या दिया क्वेश्चन, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी रिलेटेड टू एम बोले तो एम पी को क्या नाम से बुलाएगा, एम पी को क्या बुलाएगा, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ से बुलाएगा, सही है, तो यहाँ पे देखना ऑप्शन डॉटर इन लॉ आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी डॉटर इन लॉ, सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल एकदम सिंपल समझ में आया, डॉटर इन लॉ हो गई क्योंकि एक ही लड़का है उनको, उनको कोई डॉटर नहीं है, बताया हमें यहाँ पे, देखो क्या, एम हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, तो एम को एक ही बेटा है और उसकी शादी हो चुकी है पी से, सही है, कैसे कैसे पता चला शादी हो चुकी है, क्योंकि एस जो है जो आर की माँ है उनकी उसकी बहू है पी, सही है ना, तो एम की भी बहू हो गई पी, डेट इज डॉटर इन लॉ, सिंपल। क्वेश्चन नंबर टू देखना इसमें, हाउ इज के रिलेटेड टू आर, इसी से रिलेटेड है, के और आर में मतलब आर के को क्या नाम से बुलाएगा, आर के को क्या नाम से बुलाएगा, अब दिखाई दे रहा आर की माता है एस, आर की मम्मी है एस और एस की बहन है के, दिखाई दिया हमें यहाँ पे के सिस्टर ऑफ एस, सही है ना, तो एस की जो बहन है वो के है, तो मतलब क्या, मैं आर सपोज मैं हूं हम है, तो हमारी मम्मी की बहन, हमारी मम्मी की बहन क्या है, हमारी मौसी जी, मतलब ही क्या हुआ, आंटी बोलेंगे इंग्लिश में, तो आंट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये आंट क्यों आया, ऊपर के रिलेशन में गए, ऊपर वाले जनरेशन में गए, और ऊपर जनरेशन में दिख रहा है एम और एस तो हमारे क्या है माता पिता है, बाकी सब अंकल आंट हो जाते हैं इंग्लिश में, तो बाकी सब जो भी है अंकल आंट, तो आंटी क्यों लिखा, के क्या है नेगेटिव है इसलिए आंटी हुआ, अंकल अंकल अगर चाहिए तो टी के पास जाना पड़ेगा, डेट इज पॉजिटिव,
सिंपल समझ में आया, उम्मीद करता सबको। ये क्वेश्चन देखते, थर्ड क्वेश्चन देखते, समझ के चलना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बस एक से दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, सिंपल एकदम सिंपल। देखना क्या, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ मिताली सेड, ठीक है, फोटोग्राफ में एक लेडी है उसके बारे में बोल रही है, हर सन्स फादर, हर बोले तो कौन, लेडी, तो ये लेडी, लेडीज सन्स फादर, लेडी का जो बेटा है, लेडी का जो बेटा है तो उसको हम देंगे एस, हर सन्स बोले तो एस, सन सन बोले तो पॉजिटिव, लेडी है बोले तो नेगेटिव, हर सन्स फादर है इसका, इसके बेटे का फादर मतलब ही क्या, इसका पति ये होगा फादर, तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव, और पति इसका बेटे के फादर, मतलब बेटे के फादर ऊपर वाले जनरेशन में गए वो दे दिया, हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ, फादर क्या है, सन इन लॉ ऑफ माय मदर, सन इन लॉ है बोले तो क्या, सन इन लॉ बोले तो इनके कोई तो ऊपर है, माता जी है सन इन लॉ, तो यहाँ पे एम दे देते सपोज, ठीक है, सन इन लॉ तो एस एल दे देते, ठीक है, सन इन लॉ तो एस एल दिया सपोज, ठीक है, कुछ भी दो आपके हिसाब से। अब क्या दिया है, ही हर सन्स फादर, हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माय मदर, ऑफ माय मदर मतलब ही क्या, ये माय मदर बोले तो मिताली खुद की बात कर रही है, मिताली की जो मदर है, मिताली की जो मदर है उनका ऑफ माय ओनली सन इन लॉ, तो ये ओनली सन इन लॉ आया बोले तो क्या, ये यहां से आया, ये यहां से गया, ठीक है, ये मदर है तो उनके जो सन इन लॉ है, ये एक लौता सन इन लॉ है, ठीक है, ऑफ माय मदर, ठीक है, तो हाउ इज मिताली या तो फिर लेडी दिया है रिलेटेड टू द लेडी, यहाँ पे हिंट भी दिया है, ऑप्शन भी दिया है, सिंपल। अब देखना क्या बोला गया मिताली ने, उस लेडीज का, उस लेडी का जो बेटा है उसके जो फादर है उनकी जो मदर इन लॉ है वो उनका जो वो जो है वो अकेला सन इन लॉ है, मतलब ये जो मिताली है, मिताली अभी नाम से समझ में आता नेगेटिव है, अगर अकेला सन इन लॉ है तो ये कौन है फिर, ये तो मतलब, ये मतलब और ये एक ही हुआ, अकेला सन इन लॉ है, एक ही सन इन लॉ है उनको, तो एम और एल यहाँ पे भी दिया है मिताली और लेडी, मिताली को ब्रैकेट में लेडी दिया है, मतलब मिताली खुद की बात कर रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दैट इज सेल्फ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, समझना जरूरी क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को समझना जरूरी, क्या दिया है, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन देते चलो सब क्लियर हो जाएगा, खाली लास्ट वाला ट्रिक समझना था हमें, इज द ओनली सन इन लॉ, ओनली सन इन लॉ बोले तो अकेला एक ही सन इन लॉ है, ऑफ माय मदर मेरी माता का एक ही सन इन लॉ बोले तो मेरा पति हुआ वो, सही है ना, मतलब लेडीज की बात किया जाए तो, और लेडीज की बात कर रही है इसलिए मिताली खुद हुई इटसेल्फ, तो ऑप्शन नंबर डी सिंपल था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, देखना ये क्वेश्चन सिंपल है, समझना चाहिए इस क्वेश्चन को, pointing to a photograph of Prabhu, Vijay said, the father of his sister, तो प्रभु के the father of his sister, तो इसकी जो sister है उनके जो father, sister बोले तो negative, उनके जो father है father बोले तो positive, प्रभु के father, प्रभु the father of his sister, the father of his sister is the husband of, is the husband of my wife's mother, is the husband, किसके husband है ये wife, वाइफ के मदर बोले तो ऑफ माय वाइफ्स मदर, मेरी जो वाइफ है ये विजय है, विजय की जो वाइफ है, ठीक है, विजय की जो वाइफ है उनकी जो मदर है ये उनके पति है, ये उनके पति है, सिंपल, ये हुआ विजय पॉजिटिव, इनकी वाइफ ये उनकी मदर, सिंपल रिलेशन दिखाई दे रहा, सिंपल बन गया। देखना क्या था, द फादर, देखना मैं अभी नाम के साथ ड्रॉ, ये ड्रॉ जो कर रहा हूं वो देखना, द फादर, फादर ऑफ हिज सिस्टर इज द हस्बैंड, इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स, माई बोले तो विजय खुद की बात कर रहा है, खुद की वाइफ की माता, खुद की वाइफ की माता के जो ये जो है हस्बैंड है, तो ऊपर एफ और एम क्या है, फादर मदर हुए, ऊपर वाले कैटेगरी में हो गए वो, बाकी नीचे सब सेकेंड जनरेशन में आ गए। हाउ इज विजय रिलेटेड टू प्रभु, मतलब प्रभु विजय को क्या नाम से बुलाएगा, ठीक है, प्रभु विजय को, प्रभु विजय को क्या नाम से बुलाएगा, सही है। अब प्रभु विजय को क्या नाम से बुलाएगा, देखना अब इनके जो माता पिता है दिखाई दे रहा हमें, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखना पी जो है एस, पी एस और डब्लू, पी एस और डब्लू ये एक ही इसमें आते हैं, ये तीनों भाई बहन है,
पी एस और डब्ल्यू ये एक ही भाई बहन है और वी जो है जेट इज विजय, ये इसका पति है, ये जो है इसका पति है, ठीक है, पति के लिए हम ऐसे कुछ कर देते हैं। तो बाकी सब जो है पी एस और डब्ल्यू ये तीनों भाई बहन है। देखना पी की सिस्टर का फादर ऐसा भी बोला है, प्रभु के सिस्टर का फादर एंड माय वाइफ्स मदर बोले तो क्या, पी एस एंड डब्ल्यू ये तीनों भाई बहन हुए और वी ने डब्ल्यू से शादी किया है और डब्ल्यू कौन है, बहन। तो बहन का भाई, बहन का पति कौन हुआ हमारे, जीजा जी। तो जीजा जी को हमने क्या, ब्रदर इन, जीजा जी को हम क्या बोलेंगे, पी। अब क्या बोला है, प्रभु रिलेटेड, तो प्रभु इनको क्या नाम से बुलाएगा, जीजा जी को, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है, सिंपल समझ में आया सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर पी फाइव देखना, सिंपल है देखना। पी इज फादर ऑफ क्यू, तो बनाना एकदम सिंपल, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, फोटोग्राफ वाले थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, ये सिंपल आएंगे देखना। पी इज फादर ऑफ क्यू, तो पी को बना दिया फादर पॉजिटिव ऑफ क्यू, क्यू नीचे वाले जनरेशन में गया, ठीक है। आगे दिया है हु इज फादर ऑफ ए, मतलब हु बोले तो क्यू की बात कर रहे, हु इज फादर ऑफ ए, तो क्यू क्या है, फादर ऑफ ए, हु इज फादर ऑफ ए। बी इज द डॉटर ऑफ आर, हु इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मतलब ही क्या, बी इज डॉटर ऑफ आर, बी जो है वो है डॉटर ऑफ आर, ठीक है, आर, आर की बात कर रहे हैं अभी। हु इज ओनली डॉटर इन लॉ, आर जो है ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी, ओनली बोले तो ये दोनों में शादी हो गई होगी, ओनली कहा गया, बोले तो क्यू और आर की शादी हो गई, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी, सही। तो क्यू और आर की क्या हो गई, शादी हो चुकी, क्योंकि ओनली डॉटर इन लॉ है। अब आगे पढ़ना, पी हैज वन ग्रैंड सन एंड वन ग्रैंड डॉटर, पी हैज वन ग्रैंड सन एंड वन ग्रैंड डॉटर, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, पी हैज वन ग्रैंड सन एंड वन ग्रैंड डॉटर, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, मतलब ए जो है पी को क्या नाम से बुलाएगा। अब दिखाई दे रहा पी को, अब ये ए का जो है, ए का हमें मेल है फीमेल वो कुछ दिया नहीं है, इसलिए हमने वहां पे कुछ साइन नहीं है, ठीक है। आगे देखना क्या दिया है, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, मतलब ए पी को क्या नाम से बुलाएगा। अब ए पी को क्या नाम से बुलाएगा, देखना ए, ए के फादर है क्यू, क्यू के फादर है पी, बोले तो फादर के फादर हुए हमारे ग्रैंड फादर, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल था, सही है। कुछ देखते हैं अभी डायरेक्शन सेंस चालू करते हैं, फिर सिंपल तक थे, ये हमारे हुए ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस और भी सिंपल, एकदम सिंपल है, बस ट्रिक क्या बताया था, बस हमें ड्रॉ क्या करना है, ये चीज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस चालू कर दो अभी। क्वेश्चन क्या दिया है, राहुल इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, राहुल क्या कर रहा है, राहुल इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, बोले तो यहाँ पे उसका फेसिंग है, ठीक है। ही टर्न्स टू 90 डिग्रीज है यहाँ पे, ठीक है, ये है 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना कैसे होगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और ये होता है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पता ही है सबको। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो यहां से ये यहां पे चला जाएगा, यहां से यहां पे चला गया, तो ये अभी फेसिंग इसका यहां पे हुआ, अब इसका करंट फेसिंग यहाँ पे हुआ, ये इसका फर्स्ट पोजीशन था, ये इसका सेकंड पोजीशन हुआ यहाँ पे। आगे कह दिया है, देन ही टर्न्स 180 डिग्रीज यहाँ पे, फिर से 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज बोले तो नीचे आना पड़ेगा उसको, 180 डिग्रीज बोले तो पूरा हाफ सर्कल, तो यहां से ये, अब देखना थर्ड कंडीशन के लिए यहां से लेता हूं मैं, यहां से ये आया 180, ये 90, ये हुआ 180, यहाँ पे आ गया, बोले तो इसका पोजिशन अभी यहाँ पे हुआ, ये हुआ थर्ड पोजिशन, ठीक है, ये वो इसका थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन में वो नीचे अभी देख रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, सिंपल अभी लास्ट पॉइंट है थर्ड, कहाँ पे देख रहा है, नीचे की तरफ बोले तो साउथ, ऑप्शन नंबर डी, एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल होता है क्वेश्चन, सही ना। नेक्स्ट नेहा, क्वेश्चन नंबर टू देखना, इसमें नेहा स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम हर ऑफिस, ठीक है, नेहा ने स्टार्ट किया ट्रेवलिंग फ्रॉम हर ऑफिस, इनिशियली शी गोज 20 किलोमीटर्स, देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 30 किलोमीटर्स, ठीक है, मतलब ही क्या, ये काज, ये बस ऐसे स्टार्ट कर लो, नेहा ने यहाँ से स्टार्ट किया उसकी जर्नी, ठीक है, इनिशियली शी गोज 20 किलोमीटर्स एनी डायरेक्शन, तो कहाँ पे भी चले जाओ, यहाँ पे गए 20 किलोमीटर्स, ठीक है, ये हुआ
20 किलोमीटर्स, देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 30 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम, यहाँ पे अगर गई वो, तो अब लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। तो लेफ्ट टर्न उसने लिया, देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 30 किलोमीटर। तो लेफ्ट टर्न में वो गई 30 किलोमीटर्स, ये हुआ लेफ्ट टर्न में 30 किलोमीटर, ठीक है सेकंड। अब आगे, अगेन शी टेक्स अ लेफ्ट, अब ऊपर देख रहे हम, ऊपर देख रहे, तो ये हो गया राइट, ये हुआ लेफ्ट। अब देखना क्या, अगेन शी टेक्स अ लेफ्ट एंड गोज 40, अब यहाँ पे वो चलेगी 40। ये देखना, मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली हमें ड्रॉ करना है, तो 20 और 40 में फर्क दिखाई दे रहा है हमें, उसी तरह से हमें डायग्राम्स को बनाना है, ठीक है। देन शी गोज 40 किलोमीटर लेफ्ट लिया, ठीक है। अब देखना आगे, फाइनली शी टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स ईस्ट, फाइनली शी टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड गोज 10 किलोमीटर। अब देखना क्या हमने स्टार्ट किया, जो हमने स्टार्ट किया, देन शी टेक्स अ टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड गोज 10 किलोमीटर। अब हमें पता है यहाँ पे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब हमने जो ड्रॉ किया, ठीक है, हमने जो ड्रॉ किया यहाँ पे, यहाँ पे आएगा हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन। अब हमें इसके स्टार्टिंग से कुछ पोजिशन बताया था क्या हमें, कि लेफ्ट में लेफ्ट जा रही राइट जा रही वो बताया, पर साउथ जा रही नॉर्थ या ईस्ट बताया था क्या। अब मैंने तो ऐसा बताया, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम ऐसे भी तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की, यहाँ पे 20 किलोमीटर्स गई, सही है, इसके बाद यहाँ पे 30 गई, उसके बाद यहाँ पे 40 आई, ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमें अब इसके बाद हम यहाँ पे ईस्ट में जा सकते हैं ना, पर यहाँ पे जो मैंने कंडीशन बताया, यहाँ पे ईस्ट में जा सकते हैं क्या हम, मतलब फिर से वो यहाँ पे आ रही है, मतलब ये क्या हमें पता नहीं है स्टार्ट उसने कहाँ से किया। अगर स्टार्टिंग में बता दे कि ईस्ट में गई, स्टार्ट उसने ईस्ट से किया या साउथ से किया, तो हम कर सकते थे। अब हम यहाँ पे कांट भी डिटरमाइंड आएगा आंसर को, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हम आंसर बता ही नहीं पाएंगे, क्यों बता ही नहीं उन्हें, मतलब जो डेटा दिया है दैट इज अनअवेयर, मतलब आधा डेटा दिया है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे जाना चाहिए उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं फिर डायरेक्ट। वन इवनिंग मनोज एंड अमित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है, तो मनोज एंड अमित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, बातें कर रहे थे। तो इफ अमित्स शैडो वॉज एग्जैक्टली, अब यहाँ पे देखना इवनिंग की बात की है, इवनिंग की, ठीक है, मतलब इवनिंग में यहाँ पे होता है ईस्ट, यहाँ पे होता है वेस्ट, इवनिंग की नहीं, ये तो पूरे 24 आवर्स रहता है, सही है ना, और ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। इवनिंग की बात की है बोले तो सन कहाँ पे होगा वो देखना है, इवनिंग में सन होगा यहाँ पे, सही है, सन होगा वेस्ट साइड में, ठीक है। अब क्या दिया है, इफ अमित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अमित, अमित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अमित, बोले तो क्या, अमित की जो शैडो है, उसकी जो शैडो है वो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अमित, ठीक है, अमित के राइट में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो किरणें जाएंगी, ठीक है, अब अमित अगर यहाँ पे खड़ा है तो उसके राइट में है, उसके एग्जैक्टली राइट में है, बोले तो क्या, यहाँ पे है अमित के एग्जैक्टली राइट में, अच्छा अमित के एग्जैक्टली राइट में देखना, अगर अमित को हमने इनकी इंटरपोजिशन चेंज कर देते, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे एम आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख के बात कर रहा है, बोले तो ये उसका क्या हुआ, ये ऊपर हुआ उसका लेफ्ट, नीचे हुआ उसका राइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सन है, हमने बात किया, सही है, यहाँ पे ही सन है, सही है। अब देखना ये जो आएगी रेज आएंगी, सन रेज आएंगी, अब इस सन रेज से रिलेटेड देखना क्या है, If Amit's shadow was exactly to the right of Amit, Amit के right में उसकी shadow आ रही है, मतलब यहाँ पे उसकी shadow आ रही है, ठीक है, इस तरह उसकी A की shadow आ रही है यहाँ पे, बस इस तरह से बना देते हम, ठीक है, इस तरह उसकी यहाँ पे shadow आ रही है। Which direction was Manoj facing? अब यहाँ पे shadow कब आएगी, जब यहाँ पे sun होगा और जब Amit यहाँ पे खड़ा होगा, जब Amit यहाँ पे खड़ा होगा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, Manoj कहाँ पे फेस कर रहा है, Manoj is facing towards east, option number C. सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब डायरेक्टली सीटिंग अरेंजमेंट्स करते, फिर सिंपल स्टार्ट करते थे, सीटिंग अरेंजमेंट्स खत्म कर देंगे इसको भी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 लेकर यही है यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 पर्सन सिटिंग इन अ सर्कल वाले क्वेश्चन है, 8 पर्सन से तो 8 पोजिशन बना देंगे पहले उनके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। अब क्या बताता है इसमें, फर्स्ट पोजिशन किसको भी किधर भी दे देना है हमें, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। यहाँ पे देखना क्या दिया है, आउटसाइड द सेंटर मतलब ही क्या, सभी लोग सेंटर से बाहर देख रहे हैं, सही है, सभी लोग सेंटर से बाहर देख रहे हैं। अब देखना इसमें क्या करेंगे हम, सभी लोग ने सेंटर से बाहर देखा तो अब क्या दिया है, फर्स्ट S एंड T आर नॉट नेबर ऑफ W, तो पहले W किसी को बना देते, सपोज हमने यहाँ पे W बनाया। अब W क्या कर रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, तो बाहर की तरफ देखा तो उसका ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट, सही है, ऊपर की तरफ देख रहा है वो, तो ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट। अब आगे देखना क्या, S एंड T आर नॉट नेबर ऑफ W, S एंड T बोले तो अब जो रेड वाले आएंगे वो यहाँ पे नहीं बैठने वाले, नहीं सॉरी ग्रीन वाले जो मैं बना था वो यहाँ पे नहीं बैठेंगे, बोले तो क्या S और टी यहाँ पे नहीं बैठेंगे, एस और टी यहाँ पर भी नहीं बैठेंगे, सही है, ये दो पोजीशंस पे नहीं बैठेंगे, देखना ये दो पोजीशंस है एम्प्टी है, यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। ये पोजीशंस बना देता हूँ मैं, अभी क्लियर हो जाएगा सब, एग्जाम में भी इसी तरह हमें बनाना है, सभी चीजें क्लियर होते चलेंगे। एस और टी वहां पे तो नहीं बैठेंगे। आगे यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, थर्ड टू द लेफ्ट डब्ल्यू बोले तो यू वर फर्स्ट, यू वर सेकेंड, यू वर थर्ड, यहाँ पे कौन बैठा है, यू डायरेक्टली यहाँ पे हमने किसको बिठा दिया, हमने डायरेक्टली यहाँ पे यू को बिठा दिया, दो पोजिशन फिक्स हो गई। आगे वी एंड टी आर नॉट नेबर ऑफ यू, वी एंड टी आर नॉट नेबर ऑफ यू बोले तो यू के आजू बाजू में वी एंड टी नहीं चाहिए उन्हें, तो वी और टी बोले तो क्या, यहाँ पे और यहाँ पे वी, यहाँ पे वी एंड टी नहीं आएगा, यहाँ पे भी वी एंड टी नहीं आएगा, सही है। आगे देखना अभी क्या, अब क्या, क्यू इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड यू, Q जो है W और U का नेबर नहीं है, बोले तो यहाँ पे नहीं है Q, यहाँ पे भी Q नहीं है, वो W के नेबर हो गए, ये U का नेबर यहाँ पे नहीं है Q, यहाँ पे भी Q नहीं है, बोले तो Q कहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है और यहाँ पे, बस ये दो पोजिशन है Q के लिए। आगे पढ़ते T इज नॉट सेकेंड टू द राइट ऑफ W, T इज नॉट सेकेंड टू द राइट ऑफ W, सेकेंड टू द राइट ऑफ W बोले तो ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, राइट ऑफ डब्ल्यू का सेकेंड, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे टी नहीं है, तो टी यहाँ पे नहीं है, टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखना टी कहाँ कहाँ पे नहीं है, अगर देखा जाए ध्यान से, देखना यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे भी टी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए, बची कौन सी एक ही पोजिशन, तो वहां पे डायरेक्टली हम किसको फिट करेंगे, टी को फिट करेंगे, समझ में आया, टी को फिट कर दिया। आगे पढ़ना, P is not neighbor of U and Q. P is not neighbor of U and Q. बोले तो P कहाँ पे नहीं आना चाहिए, U के बाजू में नहीं आना चाहिए, P ये आ गए U के बाजू में और Q के बाजू में। अब Q को हमने फिट किया क्या, अब देखना Q जो है Q कहाँ पे नहीं आना चाहिए था, देखना फिर से हम बनाएंगे। अब Q जो हमें दिखाई दे रहा यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे तो हमने T को फिट कर दिया, यहाँ पे भी नहीं, एक ही पोजीशन बची, वहाँ पे हम डायरेक्टली किसको फिट करेंगे, Q को कर दिया, Q को फिट, सही है। वहाँ पे S आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे हमने बोला गया S एंड T आर नॉट नेबर S, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी वहाँ पे हमने क्या किया, Q को फिट किया, अब क्या फिर से, अब देखना S एंड T आर नॉट नेबर ऑफ W, ठीक है, तो S और T तो वहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है, तो S यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। आगे पढ़ना, यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वो हमने फिट किया। वी एंड टी आर नॉट नेबर ऑफ यू, वी एंड टी आर नॉट नेबर ऑफ यू, तो टी तो हुआ फिट, अभी वी को कहाँ फिट करेंगे, वी के लिए पोजिशन देखना कौन सी पॉसिबल है, एक तो यहाँ पे पॉसिबल है, एक तो यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, क्यू इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड यू, Q is not neighbor of W and U. देखना यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है ये, पर सिंपल है, समझ के चलना है इन चीजों को, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट कर पाएंगे आप, सही है ना, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट P के वैल्यू चेक कर लेते एक बार, थोड़ा सा यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो गया है, देखना ये बाकी सब इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा चीजें। अब देखना ध्यान से, ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, P is not neighbor of U and Q, तो U के आजू बाजू में यहाँ पे P नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, और Q के आजू बाजू तो यहाँ पे भी P नहीं हो सकता, सही है ना, P is not neighbor of U and Q, तो यहाँ पे भी P नहीं हो सकता, यहाँ पे तो फिक्स हो गया है। अब पोजीशन बची कौन सी, ये पोजीशन बची, यहाँ पे क्या होना, कौन आ जाएगा, P मिल गया। और एक अब पढ़ते आगे, T इज
टी का भी हो गया, पी का हो गया, टी का हो गया, क्यू इज नॉट नेबर ऑफ क्यू का भी मिल गया हमें पोजिशन, वी एंड टी, अब वी को फिट करना, वी एंड टी आर नॉट नेबर ऑफ यू, तो यहाँ पे वी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी वी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, वी के लिए बची कौन सी जगह, बस यही जगह बची, वहां पे डाल दिया हमने वी, आ गया वी, अब क्या बचे, वी के भी हो गई, यू सिट्स, यू का भी पोजिशन दे दिया, एस एंड टी की बात करेंगे अभी, ठीक है, एस एंड टी आर नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, तो नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू, तो नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू के लिए अब देखना है, एस यहाँ पे आ सकता है और एस यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, उसमें अभी और एक क्या पोजिशन दिया है हमें, देखना एस, एस के लिए और कुछ बात किया है क्या, अब हम फिट करेंगे एस को, सपोज यहाँ पे फिट किया, एस को यहाँ पे फिट किया, अब क्या बचा मेरे पास, पी क्यू आर, आर जो बचा है, आर की बात नहीं की है तो आर को हम डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर देंगे फिर, ठीक है, आर को हमने डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर दिया, सिंपल। अभी देखना पूछे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज पोजिशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, व्हाट इज पोजिशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में क्यू की पोजिशन क्या है, सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट आया क्यू, सही है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज पोजिशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में एस की पोजिशन कहां पे है, अब टी अगर बाहर की तरफ देख रहा है, ये हुआ उसका लेफ्ट साइड और ये हुआ उसका राइट साइड, तो राइट साइड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हो जाएगा थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, है क्या, सेकेंड टू द, ये हमें ट्रू बताना है, ठीक है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू करेक्ट है, वही हो जाएगा फिर डायरेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं ऑप्शन, आगे फिर आगे बढ़ने पढ़ने की क्वेश्चन भी नहीं जरूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फॉल्स, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फॉल्स, अब कौन सी कंडीशन इसमें फॉल्स है वो चेक करना है, देखना क्या, एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वो तो हमने करेक्ट बताया, तो ये तो नहीं है, ठीक है, एस इज सेकेंड, एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ये हो सकता है, ठीक है, तो ऑल आर फॉल्स भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट वाला कंडीशन तो करेक्ट है, तो इसमें बस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर, आर की पोजीशन क्या है, देखना एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा पर आगे पांच क्वेश्चन एकदम सिंपल फटाफट हो गए, इस ये बनाने में टाइम जाएगा बस थोड़ा। व्हाट इज द, आगे पढ़ते, व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर, पोजीशन क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू है क्या, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, यहाँ पे अगर क्यू देख रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे आर, तो सेकंड, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ठीक है, तो सेकंड टू द राइट ऑफ आर यही पोजीशन हो सकती है, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू नहीं हो सकता, सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ टी, सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ टी भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो आइदर ए और डी तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर ऑप्शन हमारा बस बचा, ऑप्शन बचा ए फिफ्थ क्वेश्चन का, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, सिंपल, समझ में आया सबको, सिंपल लग रहे सम्स, बढ़ते फिर नेक्स्ट टाइप्स की तरफ, सिलोगिज्म्स, लास्ट टाइप हमारा, एकदम सिंपल करेंगे इसको, क्या बताया था, ट्रिक्स, ओनली बेस्ड ऑन ट्रिक्स, एकदम सिंपल, वेन डायग्राम्स की, यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जहाँ पे थोड़ा एकदम सिंपल, मतलब बेसिक वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा जरूरत भी नहीं है, वो जरूरत भी क्यों पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ, क्यों पड़ेगी वो भी बताएंगे हम, पहले आप क्वेश्चन देख लेते क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर सी, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन में क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं वो चेक करेंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, एलिमेंट्स दोनों भी कंक्लूजन में सेम है, एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हुआ। सेकंड कंडीशन देखना क्या है, अब दिया एक में ऑल है, एक में नॉ, मतलब क्या, सम ऑल, सम ऑल दिया है बोले तो ये नाइदर नॉर का केस होना चाहिए, ठीक है, नाइदर नॉर का केस होना चाहिए, इसमें नाइदर नॉर क्यों आना चाहिए, अब देखना क्या दिया है, ऑल ए आर डी, सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए, नेगेटिव सेंटेंस भी आया और ऑल भी आया, बोले तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये नाइदर नॉर वाला केस, डायरेक्टली इसमें ऑप्शन नंबर देखना, इफ नाइदर कंक्लूज, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन ए नॉर टू फॉलोज, डायरेक्टली हुआ, ये तो हमारा ट्रिक से हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते, ट्रिक अगर ध्यान से सुनी तो ये तुरंत आ जाएगा, ट्रिक ध्यान से सुनना बस, ठीक है, नहीं सुनी तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा फिर से जाके वीडियो देखना, फिर से वो ट्रिक पे काम करना, सिंपल ट्रिक है एकदम। अभी देखना ये किस क्वेश्चन में, इसमें डायरेक्टली कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, कंक्लूजन की तरफ में हम कब जाएंगे, जब यहाँ पे देखा, जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया हो ना, पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबिलिटीज के टाइम पे हम कंक्लूजन की तरफ डायरेक्टली नहीं जाएंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटीज मतलब क्या, ऐसा हो सकता, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है,
पर स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता, पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता, ठीक है। अब हो सकता तो ऐसे टाइम पे क्या करना, देखना, सम टाइगर्स आर पैंथर्स, और यहाँ पे कंक्लूजन में स्टेटमेंट पढ़ा, अब कंक्लूजन क्या दिया है, सम पैंथर्स बीइंग लायन इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है क्या, पॉसिबिलिटी होती है हमेशा, ठीक है। ऐसे टाइम पे एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेंगे, सम टाइगर्स आर पैंथर्स, ठीक है। नो लायन इज अ टाइगर। अब ये लायन मैंने यहाँ पे बनाया सपोज, तो लायन और टाइगर में तो कॉम्बिनेशन कुछ बताया नहीं, ठीक है। सम पैंथर्स बीइंग लायन तो मतलब ऐसा कुछ बनाया, इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता, इसलिए कंडीशन करेक्ट है। सेकंड कंडीशन क्या, ये लायन है सपोज, ठीक है। पैंथर्स विच आर नॉट टाइगर्स बींग लायन इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये भी पॉसिबल है। मतलब ज्यादातर क्या होता है, 90% ऑफ केसेस में दोनों पॉसिबिलिटीज वाले केस करेक्ट होते हैं, बोले तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिया है वहां पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होता तो हम डायरेक्टली क्या देखते हैं, पैंथर और लायन में डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, पैंथर और लायन में डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, तो ये कंक्लूजन तो गलत होता। पर पॉसिबिलिटी वर्ड दिया बोले तो यहाँ पे हो सकता बोला है, हम भी बोल सकते हैं हो सकता है भाई, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे भी देखना, पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली कंक्लूजन की तरफ नहीं देखेंगे, मतलब कंक्लूजन में देखना पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, क्या करेंगे, सम पोटैटोज मे बी गुड्स, ऑल एग्स बीइंग गुड इज अ पॉसिबिलिटी, सम पोटैटोज मे बी गुड्स। अब पोटैटो और गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन है क्या, सम पोटैटोज आर गुड्स, यहाँ पे सम पोटैटोज मे बी गुड्स, मे बी बोले तो पॉसिबली पॉसिबल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऑल एग्स बीइंग गुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये भी हो सकता है, मतलब ये क्या, आई बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस, ये होता ही है इसमें, 90% ऑफ केस में पॉसिबिलिटीज बन जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, सम फ्लावर्स आर वाइट, अब यहाँ पे देखना क्या है, नो ब्लैक इज वाइट, अब ब्लैक और वाइट, अब जो कंक्लूजन दिया है नो ब्लैक इज वाइट, उसमें पॉसिबिलिटी है वर्ड है क्या, नहीं, तो ब्लैक और वाइट यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो डायरेक्टली रॉन्ग हुआ, डायरेक्ट रिलेशन नहीं तो रॉन्ग हुआ। अब क्या है, सेकंड वन है पॉसिबिलिटी वाला, तो पॉसिबिलिटी होगा तो ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल स्टार्स आर मून्स, अब देखना यहाँ पे ऑल स्टार्स, अब यह देखना यहाँ पे बनाते हैं वेन डायग्राम, सिंपल है, ऑल स्टार्स आर मून, ऑल स्टार्स ये सभी स्टार्स क्या है, मून है, सभी स्टार मून है, ऑल मून्स आर प्लैनेट, ये सभी मून क्या है, प्लैनेट है, सभी मून क्या है, प्लैनेट है, ऑल प्लैनेट्स आर राउंड, सभी प्लैनेट्स क्या है, राउंड, सभी प्लैनेट्स आर राउंड। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑल मून बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट कैन बी पॉसिबल, ऑल स्टार्स आर ऑफकोर्स राउंड, सही है, तो ये भी पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 फॉलोस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आज का, लास्ट क्वेश्चन इसका स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सम केक्स आर पेस्ट्रीज, ये हुई पेस्ट्रीज, ठीक है, ये तो ये सम केक्स आर पेस्ट्रीज का कंडीशन मिला। सम ब्रेड्स आर पेस्ट्रीज, कंडीशन पढ़ना, ऑल पेस्ट्रीज बीइंग केक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेस्ट्रीज केक हो सकती है क्या, सभी पेस्ट्रीज केक हो सकती है। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम केक्स आर ब्रेड्स, ऐसा भी हो सकता है ना, ये देखो ऐसा भी हो सकता है, तो सम ये जो होंगे, ये जो हो जाएगा ब्रेड, तो क्या इसमें ऑप्शन नंबर ई बोथ फॉलोस, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, और उम्मीद करता सबको पसंद आया, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सिलोगिज्म्स का और ब्लड रिलेशंस का, बस ये दो टर्म्स में प्रैक्टिस करना जरूरी, कोडिंग डिकोडिंग पूरा ट्रिक पे हो जाएगा, डायरेक्शन टेस्ट ट्रिक पे हो जाएगा, सिलोगिज्म्स भी मोर देन 50% ट्रिक पे काम होने वाला है, ठीक है। तो बाकी के सम्स थोड़े से प्रैक्टिस करो, बस एकदम सिंपल है, उम्मीद करता सबको समझ में आया, और ये 20 मार्क हाथ के जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।